हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है सबकी जिंदगी में। और भाई सामने आपको दिख रही होगी वरना, बट ये नॉर्मल वाली वरना नहीं है भाई। फाइनली चैनल पर आ चुकी है वरना टर्बो, और ये नंबर को हम ब्लर कर देंगे। पता नहीं भाई ने किसका नंबर, उनका ही नंबर होगा, बट स्टिल इसका रीजन पहले पूछेंगे कि भाई नंबर क्यों लिखवा रखे है पीछे। तो भाई इधर आ जाओ आप, पहले तो स्वागत है आपका चैनल पर। और भाई सबसे पहले बताओ नंबर किसका था पीछे? मेरा ही नंबर है। तो भाई नंबर क्यों लिखवा रखे आपने? जाता कभी पार्किंग में खड़ाते हैं। अच्छा अच्छा, मैं तो पार्किंग में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है ना, ज्यादा गुस्से में कोई सकरा ऐसा पाना दे। अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं कार है, कोई प्रॉब्लम है तो कॉल कर लो, हम बता लेंगे। अच्छा भाई बड़ी सही चीज लगी। तो भाई ये ना वरना टर्बो है, जिसमें आती है 118 bhp, 170 nm की टॉर्क और 1000 cc का इंजन होता है। और भाई इसमें 3 सिलेंडर होते हैं। अभी हम इसे कंपेयर नहीं करेंगे, कंपैरिजन आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना जो मेरी खड़ी है डीजल के साथ। बट इसमें हम जानेंगे भाई से कि भाई वरना टर्बो भाई ने क्यों लिया, क्योंकि भाई बहुत ही कम सेल्स है वरना टर्बो की। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई वरना टर्बो ही क्यों, कि मतलब पेट्रोल क्यों नहीं, डीजल क्यों नहीं? हाँ तो सारे बता दो क्या क्या है। पार्किंग सेंसर। अच्छा, एक्स्ट्रा लगते भी नहीं अगर हाँ। और मिलते तो फ्रंट पार्किंग सेंसर का इतना यूज लगता है आपको? मतलब ज्यादा। कैसे भाई, कैसे इन प्रैक्टिकल लाइफ कैसे? जैसे कभी कहीं पार्किंग करते कोई आगे कार खड़ी होती है, मेरी थोड़ी हाइट छोटी है तो मुझे आगे से दिखता नहीं है। ओ यार, अच्छा अच्छा लगते है, जो पहले वाली कार थी ना, दो तीन। अच्छा, इस वजह से। और बाकी के रीजन बताओ भाई, दूसरा रीजन तो भाई जो वरना टर्बो में ना ये भाई पहले से ही आ रखे हैं लेदर सीट्स कवर, और जो मेन डिफरेंस है ऑल ब्लैक है, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। और मेन बात जो है डिटेलिंग है ना रेड वाली, भाई बहुत ही बढ़िया। ये भाई ने मैट बाहर से डलवा रखे हैं। स्लिट प्लेट्स भाई ये आपने बाहर से करवाई है, ये वायरिंग का क्या चक्कर पड़ता है भाई? इसके अंदर से जो बंद करते हैं ना तो कार अपने बंद होती है, अगर खुद लगाते हैं तो बंद नहीं होंगे सारा टाइम। अच्छा अच्छा, बाकी का इसके मेन तो पैडल शिफ्टर्स, ये भी आप बाहर से कभी लगवा ये तो भाई वही बात है। और ये जो जैसे आप डीजल भी लोगे ना, मतलब डीजल ऑटोमेटिक, उसमें भी पैडल शिफ्टर्स नहीं आएंगे। तो भाई पैडल शिफ्टर्स की तो अलग ही फील आती है भगाने में। और भाई जो वरना टर्बो है, मैं आपको बता दूं ये SX ऑप्शनल में ही आते हैं और ऑटोमेटिक में ही आते हैं, इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं आती है टर्बो। और पीछे ना आपको वही बात है, इसकी बैजिंग भी मिल जाती है। और भाई ये जो आपको इसके बारे में क्या कहना है, मतलब ये किसी किसी को जचता नहीं है लुक्स ये वगैरह, कहाँ से लगाई किट, कहाँ से सभी। अच्छा, ड्यूल एग्जॉस्ट भी उनको लगते नहीं क्या पहले से? अच्छा हाँ, ड्यूल एग्जॉस्ट भी पहले से ही आते हैं भाई इसमें। और आवाज वगैरह तो इंजन की एक बार आपने स्टार्ट करके भी सुनाना। हाँ, डिस्क ब्रेक भाई रियर और फ्रंट दोनों में है इसमें। एक बार ना आप स्टार्ट कर दो कार और आवाज भी थोड़ा सुनाओ कि भाई ड्यूल एग्जॉस्ट में कुछ है ऐसा डिफरेंस, हल्का सा वो करना रे। अच्छा, इतना फर्क तो नहीं है वैसे आवाज में, एस मोड में कुछ बंद कर दो। हाँ हाँ, एस मोड में जब आरपीएम ज्यादा जाती है तो खींचता ना आवाज बढ़ सकती है। अच्छा अच्छा, और भाई अब मेन बात कि एवरेज, एवरेज आपको अगर ऐसे चलाओगे सिंपल तो कम से कम 10-11। अच्छा, और अगर ऐसे हाईवे पे चलाओगे तो मैक्सिमम 16, उससे ऊपर तो भाई 16 तो आपसे ही सुने। वैसे कंपनी क्लेम करती है भाई हाईवे पे 19 और सिटी में करती है 14-15 कुछ, इतनी तो आएगी नहीं ना। मैं वही टर्बो में भाई किसी की नहीं आती। एक पहले भी भाई का कमेंट आ रखा था कि भाई उनपे टर्बो, उन्होंने बल्कि मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजी 9 की एवरेज बस, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। तो एवरेज भूल जाओ, और मजे इतने हैं ना हर एक बार, कोई लोग नया इसमें चांस मिलता है भाई। और भाग रही मतलब भगाने में ज्यादा लगती है आपको कि मतलब वो जैसे 3 सिलेंडर है ये, तो कभी वाइब्रेशंस वगैरह फील होती है कि 3 सिलेंडर वाली बात लगती है? थोड़ा सा देते हैं ना ऐसे जाते हैं फुल स्पीड में, कुछ ज्यादा ही होता है बाकी इससे। अच्छा तो भाई, और अब ना हाँ पेट्रोल वाली तो आपने चलाई है, बट वो ये है कि डीजल में ना टॉर्क ज्यादा मिल जाती है हमें इसमें। तो आपने और प्राइस भी क्या, ऑन रोड कितने की पड़ी थी आपको? ऑन रोड अगर कम से कम 5-6 हजार रुपए महंगी पड़ती है पंचकूला में। तो आपने डीजल चलाई थी वैसे इससे पहले? नहीं, डीजल तो कोई कार नहीं चलाई। तो भाई आप ना नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, उसमें हम कंपैरिजन कैसे करेंगे कि भाई चलाएंगे वरना डीजल और मैं चलाऊंगा वरना टर्बो, तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है इसमें। और भाई एक बार अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से ना, मतलब मेन तो भाई इंटीरियर्स की बात ना यही है कि जो इसके ब्लैक सीट कवर्स हैं बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। और भाई जैसे ऑटोमेटिक है और मेरी ना मैनुअल है, तो ब्लूलिंग तो उसमें भी है, बट इसमें वो ये कि ब्लूलिंग से ना स्टार्ट हो जाएगी कार, वो करके दिखाते हैं एक बार। भाई खोलो
ये बंद कर दिया, अब देखते हैं ब्लूलिंग से कैसे स्टार्ट होती है। एंड भाइयों आज के शाउट आउट के विनर है AMR व्लॉग्स एंड SD करके एक चैनल है, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, आगे भी आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहे। एंड आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप में से किसी को शाउट आउट दूंगा। एसी सब जो भी करना है। अच्छा अच्छा, एसी वगैरह भी इधर से ही सारा कंट्रोल हो जाएगा। भाई फोन भी आवाज करता था, ऐप भी आवाज करती है। अब देखते हैं, 2-3 सेकंड लगते हैं मेरे ख्याल से स्टार्ट होने में, 1 मिनट लगता है इसमें। अच्छा चलो भाई 1 मिनट तेज कर देते हैं। अच्छा अच्छा तो भाई देखो ऐसे होती है ब्लूलिंग से स्टार्ट कार, और अब स्टार्ट हो चुकी है, मतलब अनलॉक भी होगी, जैसे स्टार्ट हो गया। अच्छा लॉक ही है, अगर अनलॉक करनी हो जाएगी अनलॉक इधर। अच्छा अच्छा अभी आपके उधर। अच्छा अच्छा चलो यार ये तो बढ़िया चीज है, एक बार ना बंद कर दो। और भाई अब ना मेन बात, जैसे आपने एडवांटेजेस तो इसके इतने बता दिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी देखो कुछ ना कुछ तो होता ही है हर कार में। सिर्फ माइलेज। और मतलब कौन से मंथ ली थी आपने, कितना टाइम हो चुका है ली हुए? नवंबर में ली थी। और चली कितनी है? 283। इतनी ज्यादा कम क्यों चली है, मतलब तभी ये लिया ना टर्बो, ये बताओ ऑडियंस को। मेन तो ये कि वो कम चलती है, ज्यादातर स्कूटी बाइक। भाई मैं यही वीडियो के थ्रू आपको यही कहूंगा, अगर आप टर्बो पे जा रहे हो ना, अगर आपकी रनिंग वगैरह कम है और शौक के लिए आपको चलानी है तभी लेना, नहीं तो भाई मतलब पड़ी रहेगी। और यार वो ये पेट्रोल के प्राइस आपको पता ही है क्या ही बुरे हाल हो रखे हैं, मतलब पुकाई नहीं जाएगी इन शॉर्ट में यही बताऊंगा, तो मत ही लेना टर्बो। तो मैं मतलब क्लियरली बता देता हूँ आपको, भाई से भी आपने सुन लिया कितनी कम चलती है। फन वही बात है ना, कभी कभी लेना चाहिए ना फन भी, रोज रोज आप एक चीज करोगे फन फन तो रहेगा नहीं। अगर लेके भी जाते ना, सबसे पहले लोग पूछते हैं वरना तो लग रही ओडी लग रही है। ओ भाई मतलब कहते हैं लोग कि ओडी A3 का छोटा भाई, ओडी A4 का छोटा भाई, ऐसे वरना वो टर्बो तो बहुत ही कम। हाँ ये बात है। और भाई अब मेन बात की ब्लैक कलर क्यों, वरना तो ब्लैक व्हाइट तो कभी नहीं, उस तरफ देखना नहीं। लुक बहुत अच्छी आती है ना ब्लैक की, ये बात तो है भाई, चर्चे ब्लैक की है। हाँ और जब जैसे ये ले रहे थे, इसके सिवा कोई और भी सोची थी क्या कि भाई होंडा सिटी वगैरह? सिर्फ इसी तब इसका आया था ना इसे ट्रेलर एक मतलब यूट्यूब वगैरह पे देखा था इसके बारे में कि हाँ नहीं ऐसे कुछ PDF से। अच्छा क्रोम पे आते नहीं कि भाई पहली बार अच्छा देखा था, मतलब पागल हो गया था वो ही है, पहली नजर में प्यार। पैडल शिफ्टर्स टर्बो जो सोचते थे कि कभी आएगा किसी कार में, बजट वाली कार है। ये बात तो है, क्रेटा टर्बो में भी यही है कि भाई पैडल शिफ्टर्स वगैरह आ जाते हैं, बट वही बात है भाई एवरेज बहुत कम है। तो भाई इस वीडियो को ना हम यहीं पे रखते हैं, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको एक तरह से ना वरना टर्बो का ओवरव्यू सा ही देना था कि इसमें क्या क्या अलग सा मिल जाते हैं, और भाई ये इतनी कम इसलिए बिकती है, आपने रीजन सुन लिया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कंपैरिजन वरना टर्बो एंड वरना नॉर्मल डीजल मतलब SX ऑप्शनल का ही। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।